हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। माइक्रो बूथ मैनेजमेंट करने और चुनावी रणनीति बनाने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। चुनाव में जीत का स्वाद चखने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार ऐसी ऐसी चीजें लेकर आते हैं जिसके बारे में दूसरी पार्टियों के नेता सोच भी नहीं सकते। अब देखिए, बीजेपी अपने सांसदों की पत्नी को चुनाव में जीत हासिल करने के गुल सिखा रही है, उनका राजनीतिक कौशल विकसित कर रही है ताकि जरूरत पड़ने पर पार्टी उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर सके, चुनाव प्रचार में भी झोंका जा सके ताकि महिलाओं को रिझाने में मदद मिले। सांसदों की पत्नी पर बीजेपी का दाव, चुनाव में जीत हासिल करने के बताए गए टिप्स, कमल सखी कार्यक्रम में सिखाए गए गुण, विकसित किया जा रहा उनका राजनीतिक कौशल, जरूरत पड़ने पर पार्टी कर सकती है इस्तेमाल, 2019 के चुनाव प्रचार में भी उतार सकती है पार्टी, बीजेपी लीग से हटकर राजनीति करती है, राजनीति की बारीकियों की जितनी समझ उसके रणनीतिकारों की है उतनी किसी और की नहीं। 2019 की तैयारी में जुटी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि अपने सांसदों की पत्नियों को भी बकायदा चुनाव प्रचार में उतारने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने उन्हें इसके गुर भी बताए हैं जिनसे वो न सिर्फ पार्टी का प्रचार कर सकें बल्कि अपने पति के राजनीतिक कामकाज में सहायता भी कर सकें। इसके लिए बकायदा 2 दिन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज भी शामिल हुई। 2 दिनों के इस कार्यक्रम में सिर्फ सांसदों की पत्नी ही नहीं बल्कि महिला सांसद भी शामिल हुई। महिलाओं का 2 दिन का ये कार्यक्रम कमल सखी के रूप में हुआ। हालांकि इसका मकसद आपसी मेल मिलाप था लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस कार्यक्रम में पार्टी के सीनियर नेताओं ने इन महिलाओं को वो मंत्र दिए जिससे वो अपने सांसद पति की मदद कर सके। उन्हें ये भी बताया गया कि वो किस तरह से घर में रहकर भी पति के काम में मदद कर सकती हैं। इनमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपने क्षेत्र की महिलाओं से जुड़ना और उज्ज्वला जैसी योजनाओं का फायदा ले चुकी महिलाओं से अन्य महिलाओं को रूबरू कराना है ताकि उन्हें पता चल सके कि इस तरह की योजना का किस तरह से फायदा मिला। आमतौर पर इस तरह के कार्यक्रम में पहले 40 से 50 महिलाएं ही शामिल होती थी लेकिन इस बार चूंकि अब 2019 का चुनाव काफी नजदीक है इसलिए इस कार्यक्रम को और जोश के साथ आयोजित किया गया था और सांसदों की पत्नियों ने भी इस कार्यक्रम में दिलचस्पी दिखाई। बीजेपी सूत्रों की माने तो अभी औपचारिक तौर पर कोई फैसला नहीं लिया गया है लेकिन इस कार्यक्रम का एक मकसद ये भी है कि उनका राजनीतिक कौशल भी परखा जाए ताकि जरूरत पड़ने पर पार्टी उनका राजनीति में उपयोग कर सके। अब देखना है कि इस कवायद से पार्टी को भविष्य में कितना लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।